किसी परीक्षा में शबाना को 800 में से 736 नंबर्स मिले, ठीक है। अब पूछ रहा है बताइए उसे कुल कितना परसेंट मिला। अगर टोटल देखेंगे हम तो टोटल उसका था 800 टोटल मार्क्स थे, ग्रैंड टोटल जो था वो आपका 800 था। अभी आपको उसमें से क्या निकालना है कि जितना उस बच्चे ने पाया है, शबाना नाम की जो बच्ची है उसने कितना पाया है नंबर्स, वो उसका परसेंटेज कितना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ लिखेंगे शबाना स्कोर एक्स परसेंट ऑफ द मार्क्स, ठीक है। शबाना का जो मार्क्स है वो हमने लेट किया, लेट शबाना स्कोर एक्स परसेंट ऑफ द मार्क्स, ठीक है। वो शबाना कितना पाई है हमको नहीं पता, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितना परसेंट उसको मिला है, जो उसका मार्क्स है वो कितने परसेंट है, तो हमको नहीं पता। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सपोज करेंगे कि उसको एक्स परसेंट उसने उसको मार्क्स मिले हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे देन एक्स अपॉन हंड्रेड, एक्स अपॉन हंड्रेड, देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक, यहाँ पे क्या लिखेंगे, देन एक्स परसेंट इज इक्वल टू 736 जो उसका मार्क्स है जो उसे मिले हुए हैं, और ग्रैंड टोटल है 800, ठीक है। अब परसेंटेज जब हम हटाएंगे तो नीचे ऑटोमेटिक 100 आ जाएगा अपॉन में, ठीक है, 736 अपॉन। अब एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, एक्स इज इक्वल टू 100 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 736 इंटू 100 अपॉन 800, 00 से 892% इट मीन्स कि शबाना ने कितना मार्क्स कितने परसेंट स्कोर किया है, तो 92% स्कोर किया है। आशा करता हूँ बताया गया पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आप लेना चाहें तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसमें एक विलेज है, विलेज में टोटल 500 स्टूडेंट है, जिसमें से 350 स्टूडेंट को स्विमिंग आती है, ठीक है। तो अभी आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर दो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि जितने 500 में से 350 स्टूडेंट को स्विमिंग आती है, तो जितने लोगों को आती है उसकी स्विमिंग का परसेंट अलग बताना है, और जितने लोगों को नहीं आता है उसकी स्विमिंग का परसेंट अलग बताना है। यहाँ पर आपको तो आपसे दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेम वही करेंगे जैसा हमने पहला बार किया था, ठीक। यहाँ लिखेंगे लेट एक्स परसेंट, यहाँ पर सबसे पहले हमें स्विम निकालना है, स्विमिंग जितने बच्चे कर सकते हैं उसका निकालेंगे। लेट्स एक्स परसेंट ऑफ द स्टूडेंट कैन स्विम, देन आपको सिर्फ जितने बच्चे स्विम कर सकते हैं, देखिए 100 जो परसेंट होगा वो 100 ही होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्विमिंग जितने करते हैं कर सकते हैं उनका परसेंट निकाल के 100 में डिवाइड कर देंगे, और सॉरी 100 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका जो आंसर होगा वो आ जाएगा कितने स्विम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्विम जितने कर सकते हैं उनको निकाल सकते हैं, देन एक्स परसेंट, अगर यहाँ परसेंट लिखेंगे तो परसेंट हटाने के बाद नीचे अपॉन में 100 आ जाएगा, वो अभी नेक्स्ट स्टेप मारेंगे। 350 अपॉन टोटल ग्रैंड टोटल कितने हैं, टोटल 500 है, देन आफ्टर एक्स अपॉन 100 हो जाएगा, जब सॉल्यूशन करेंगे 350 अपॉन 500 सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, 350 अपॉन इंटू 100 अपॉन 500 ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके लिए डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम में जाएगा, ठीक है। तो एक्स मीन्स कितना आ गया, 70% स्टूडेंट जो है स्विम कर सकते हैं। अब हम निकालेंगे क्या स्टूडेंट कैन नॉट स्विम, ये निकालना है हमको कितने परसेंट नहीं कर सकते। यहाँ देखिए स्टूडेंट कैन नॉट स्विम, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितने टोटल स्टूडेंट है टोटल 100 में से आप 70 माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, कैन नॉट स्विमिंग। यहाँ देखिए 100% माइनस 70% इज इक्वल टू सेपरेट करने में आएगा 30%,
तो मीन्स 30% स्टूडेंट सेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ बताया क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आप लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में एक प्रकाश नाम से एक पर्सन है जिसने अपने उसके पास कोई एक खेत है, खेत का उसने 75% में कुछ अनाज बो दिए। ठीक है, अभी आपसे पूछ रहा है कि कितने जितने 75% में बोए हैं उसका अगर मेजरमेंट करेंगे तो वो कितना है। तो मैं आपको एक क्राइटेरिया बना के दिखाता हूँ, शेप बना के दिखाता हूँ एग्जाम्पल के लिए। ये टोटल प्रकाश का खेत है, फील्ड है। ठीक है, अब इसमें से 75% इट मीन्स कि अगर हम इसका फोर पार्ट करते हैं तो वन पार्ट 25 का होगा, 25, 25 एंड 25। तो ये आपका हो चुका है, ये भी प्लग हो चुका है, ये भी प्लग हो चुका है। अभी आपका एक पार्ट बचा है। ठीक है, तो जितने पार्ट्स हमने हो चुके हैं प्लग, वो आपसे पूछ रहा है कि उसका मेजरमेंट कितना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, सपोज प्रकाश स्वेट जोआर ऑन एक्स एसक्यू, एसक्यू मीन्स स्क्वायर ऑफ हिज लैंड, देन x अपॉन, यहां पर x में परसेंटेज में ऑलरेडी दिया हुआ है, देन x अपॉन अब जितना उसका टोटल लैंड है उसका मेजरमेंट हम याद लिखेंगे अपॉन में 9500, देन उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है 75% वर्किंग हो चुकी है, तो 75% का परसेंट, अभी मैंने आपको बताया कि परसेंट का साइन अगर लगेगा किसी भी नंबर में, 5% का साइन लगा हुआ है, उसको हटाने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर 75% था तो हमने 100 से डिवाइड कर दिया, तो परसेंट का साइन हट गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि हमको लैंड निकालना है कि जो 75% लैंड प्लग हुआ है उसका वो उसका मेजरमेंट क्या है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे अपॉन 100, डबल जीरो कैंसिल हो गया, एसक्यू मीटर। ठीक है, ये हुआ आंसर। आशा करता हूँ बताया गया क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आप लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके पूछ सकते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर में सुहान नाम का एक पर्सन है जिसने 40 मैसेज रिसीव किए अपने बर्थडे पे, जिसमें से 90% जो मैसेज था वो उसके बर्थडे से रिलेटेड था। ठीक है, जिससे हम लोग विशेस देते हैं, किसी का बर्थडे रहते तो हैप्पी बर्थडे विश यू मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे ऐसे समथिंग बोलते हैं, तो उसमें से 90% जो मैसेज था वो इसी से रिलेटेड था, बट जो 10% मैसेज है वो कुछ अलग है। ठीक है, तो आपसे ये पूछ रहा है कि जो 10% मैसेज है वो कितने हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे, सो सपोज सोहन रिसीव एक्स मैसेज, उसने कितना रिसीव किया है, एक्स मैसेज रिसीव किया है। ठीक है, उसके फॉर हिज बर्थडे उसके बर्थडे का एक्स मैसेज सपोज उसने रिसीव किया है, तो क्या होगा, देन एक्स अपॉन टोटल मैसेज कितने थे, 40 मैसेज थे। ठीक है, और कितने 90% मैसेज उसके बर्थडे के हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 90/100, देन एक्स इज इक्वल टू 90 × 40/100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, मीन्स 36 मैसेज उसके बर्थडे से रिलेटेड थे। अभी हमको यहाँ निकालना है जो लेफ्ट मैसेज है वो कितने हैं, अदर मैसेज, तो यहाँ लिखेंगे अदर मैसेज टोटल मैसेज है 40 − 36 इज इक्वल टू 4 मैसेज। ठीक है, ये हुआ आपका आंसर। आशा करता हूँ बताया गया क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अगर आप लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल पीपल दिया हुआ है जिसमें से कुछ पीपल एजुकेटेड हैं। ठीक है, तो अभी आपसे पूछ रहा है जो एजुकेटेड पीपल हैं उनका परसेंटेज क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, देन हमें परसेंट निकालना है, तो हम x अपॉन 100, देन जितने भी पीपल उनमें से एजुकेटेड हैं उनका नंबर लिखेंगे, उनका नंबर है 5448, देन आफ्टर टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 5675। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, क्योंकि हमको परसेंट निकालना है,
48 into 100 अपॉन एन एस का मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 में 4 4 8 00 अपॉन 5 6 7 5। आप इसका जब डिवाइड करेंगे तो 96 टाइम मिल जाएगा, यहाँ पर आंसर आएगा 96%। मीन्स 96% जो लोग हैं टोटल ग्रैंड टोटल लोगों में से जो 96% लोग हैं वो उस विलेज के वो आपके एजुकेटेड हैं। ठीक है, आशा करता हूँ बताया क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आप देना चाहते हैं शॉर्ट लीजिए, फिर चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आप दो कॉलम आपके बनाने पड़ेंगे। ठीक है, आपको दो कॉलम बनाना पड़ेगा जहाँ पर घनश्यामपुर विलेज का अलग कॉलम रहेगा, दूसरा है गणेशपुर। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, टोटल ग्रैंड टोटल जो वहाँ पे लेडीज हैं वो हैं 1200, जिसमें से 1080 ने वोट दिए। ठीक है, और जो नेक्स्ट गांव है जिसका नाम है गणेशपुर, वहाँ पर 1700 टोटल लेडीज हैं, जिसमें से 1360 लेडीज ने वोट दिए। तो अभी आपसे पूछा है कि दोनों का आपको अलग अलग बताना है, परसेंट पहले निकालना है, परसेंट निकाल के बताना है कि कहाँ का परसेंट लेडीजों ने सबसे ज़्यादा वोट दिए हैं। ठीक है, आशा करता हूँ बताए गए सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।